हेलो फ्रेंड, देखते हैं जैसे आप लोगों का डिमांड था नेचुरल गैस के विषय में, किस तरह से सेंटिमेंट है, कैसे इसमें प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप लोग नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ रेगुलर विषय कम्युनिटी के विषय में लर्न करते रहते हैं। क्या सेंटिमेंट है, क्या न्यूज़ कंडीशन है, उसके विषय में देखते हैं। यहाँ हम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं नेचुरल गैस का है। अगर कंडीशन यहाँ देखते हो, ये अमेरिकन नेचुरल गैस है। अगर इसमें आप ओवरऑल कंडीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एक अच्छी गिरावट का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया था, आप एक बार जाके पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, क्या उसने वर्क किया या नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वर्क। यहाँ आप देखोगे 16 को इसने एक अच्छा मोमेंटम मंडे को कैप्चर किया था, 2 दिन तक ये जारी रहा है और ये लगभग यहाँ से 10 पॉइंट की रैली दिया है। जो यहाँ पे ये आपको लगभग 2.6 से लेकर 2.43 तक का रैली देखने को मिल रहा है। बाय परसेंटेज आप देखो तो अच्छा गेन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद में रेजिस्टेंस फेस करता है, गिरावट का टाइम देखने को मिला। दोबारा आज इसने एक पुल बैक लगाने की कोशिश किया, बट जो प्रीवियस डे का लो रहता है या कुछ स्विंग रहती है, वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है। उसने यहाँ भी वर्क किया है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। सबसे पहले इसको 2.3 के ऊपर निकलना इतना इजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरे दिन का रेंज बताया, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ये अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेगा। डाउन साइड में 2.268 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बिहाफ पे हम इंडियन MCX को देखते हैं, क्या पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। नेटवर्क को अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है फ्रेंड, यहाँ पर लगभग आपको 10 से 11 हज़ार रुपये लगते हैं बाइंग करने के लिए एक लॉट को। और अब प्राइस पैटर्न को मैनेज करके बाई करें, सेल करें, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम रहता है। अब यहाँ कंडीशन अगर आप देख रहे हो, तो मार्केट ने कभी भी सरप्राइज मूव नहीं दिया। आपको 3 से 4 पॉइंट कैप्चर करना बहुत ईजी हुआ। 3 से 4 पॉइंट में आपकी जो प्रॉफिट शो होगी, वो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास, 1000 रुपीज़ के आसपास शो हो सकती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहती है। यहाँ पर एक अच्छा मूव यहाँ पर, जैसे वहाँ पर हमने देखा था मोमेंटम 190 से लेके यहाँ पर 204 तक का हाई इसने लगाया, तो लगभग यहाँ पे इसने 10 से 14 पॉइंट का लगाया मोमेंटम। उसके बाद इंगल्फ पैटर्न बनाता है यहाँ पे और उसका फॉलोअप आता है, दोबारा इसके आसपास जाता है और यहीं पे ये रिएक्ट करता है। ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, अलर्ट देखना पड़ेगा। और कभी भी इसमें बड़े मूव के लिए, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो बड़े मूव के लिए मत जाइए। एज़ पर माई व्यू आपको 4 पॉइंट 6 पॉइंट मैक्सिमम आपका टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन इसने बना रखा है, अगर ये 190 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, इवन 191 के भी नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो ये फिर 188 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी से सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी। इनकेस 188 को ब्रेक करता है, तो फिर 185 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। हायर साइड की पॉसिबिलिटी ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, हमें यहाँ पे हायर साइड की पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंगल्फिंग पैटर्न है, इतना जल्दी ये किल नहीं करने वाला है। यहाँ भी आपने देखा एक अच्छा इंगल्फ बनाया था, डाउन साइड आने के बाद दोबारा यहीं से इसने मूवमेंट डाउन साइड किया। तो प्राइस पैटर्न अगर आप देखते हो, सीखते हो, तो डेफिनेटली आपको ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। 4 आवर में भी अगर आप देख रहे हो, तो इसमें जो कंडीशन बना रखी है, मार्केट ने डायरेक्शन अपना चेंज किया 10 पॉइंट रैली के बाद में। कंडीशन यहाँ पे 1 बाय 1 करके डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन रुक रुक के जा रहा है। अब यहाँ पे 1 से 2 कैंडल बनाता है, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेगा, तो आपको 88-85 का भी पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट इसका 201 का था, वो ऑलरेडी इसने दे दिया है। आप देखोगे जो मोमेंटम इसे मंडे ट्यूसडे का 2 दिन का रहा है, वेस्टडे को इसने डाउन साइड का मोमेंटम किया है, और इससे पहले ही ट्यूसडे को इसने सेकेंड हाफ में मोमेंटम डाउन साइड की कर दिया था। तो सभी जगह पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स को आपको कैप्चर करने के लिए लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा और क्या प्राइस पैटर्न बनता है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही रूल है कि आपको मार्केट में बने रहने के लिए अपने जो लॉसेस हैं कम से कम रखने पड़ेंगे। साथ में अगर यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन आप देखने को कोशिश करते हो, तो 2 दिन का ट्रेंड अगर ये यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो होपफुली एक जो इसका ब्रेकआउट लेवल था 188.6, ये मेजर रोल प्ले करेगा। इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी एज इट इज़। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो है, आप लोग लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग डेफिनेटली।